मेरे बेटे नूं भी क्रिमिनल बना के मीडिया के राही पेश किया गया कि वड्डे वड्डे घरां दे काके एक्टिवा ते फिर रहे, वड्डे घरां दे काके एक्टिवा ते नहीं फिरदे। जो शब्दावली पुलिस वालों वरती गई है वह बहुत निंदन योग है। मैं उसकी शिकायत मुख्यमंत्री साहब और DGP पंजाब को भी करा। मेरा बच्चा माइनर है, वह भी डिप्रेशन च गया चला। 3 दिन तक मेरे बच्चे ने कुछ खाना भी नहीं खाधा। मैनू पता जो मेरे बच्चे के हालात हो। पुत्र वालों स्कूटर ते हूटर लगाउण करके विवादा विच घिरे आम आदमी पार्टी दे विधायक अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफर ने आखर चुप्पी तोड़ी है। विधायक साहब दा कहना है कि उन्हां दे पुत्र ने कोई हूटर नहीं बजाया ते ना ही उन्हां दे पुत्र दे स्कूटर ते कोई हूटर लगा है। दरअसल विधायक साहब दा पक्ष जानन दी पहला भी कोशिश कीती गई सी। उस समय विधायक साहब ने अपनी सेहत दा हवाला दे के मीडिया सामने कुछ भी बोलन तो इनकार कर दिता सी। अज चंडीगढ़ दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक साहब दे वलो इस मामले ते स्पष्टीकरण दिता गया। की कहना है विधायक साहब दा, आओ सुनदे आं। नहीं, ओ हूटर नहीं सी, ओ हॉर्न सी। हॉर्न लग्या होया सी, चला भी नहीं रहे सी। ओ मेरा बेटा माइनर है और मैं गल चलो मैं कहनी था नहीं चाहता। मेरे बेटे नूं भी क्रिमिनल बना के मीडिया दे राही पेश किया गया कि वड्डे वड्डे घरां दे काके एक्टिवा ते फिर रहे, वड्डे घरां दे काके एक्टिवा ते नहीं फिरदे। असीं आम घरां दे हैगे आ। मेरा बच्चा 9th क्लास विच पढ़दा और उस गल नूं वधा चढ़ा के पेश किया गया। मैं मेरा बच्चा माइनर है, वह भी डिप्रेशन च गया चला। 3 दिन तक मेरे बच्चे ने कुछ खाना भी नहीं खाधा। मैनू पता जो मेरे बच्चे के हालात हो गए। नहीं, वो हूटर नहीं सी और वो बेटा चला भी नहीं रहा सी। बेटा उत्थे बुकशॉप के बाहर खड़ा होया सी। जो गल नूं पेश किया गया वो गलत ढंग नाल पेश किया। देखो जो पुलिस का विहार सी वो बहुत गलत विहार सी। जो शब्दावली पुलिस वालों वरती गई है वह बहुत निंदन योग है। मैं उसकी शिकायत मुख्यमंत्री साहब और DGP पंजाब को भी करा। मैं पहले ही कहा कि बच्चा एक्टिवा नहीं चला रहा सी, वो बुक शॉप के बाहर खड़ा होया सी। तो टारगेट पे किस तरह आ गया जी फिर पुलिस दी? वो बच्चा जे बुक शॉप के बाहर ही खड़ा सी, बुक शॉप के नाल एक्टिवा खड़ा सी और नाल मेरा ड्राइवर सी, उतो चलन लगे, उतो उन्होंने पकड़े, उतो रूटीन चेकिंग कर रही सी पुलिस। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।